नमस्कार दोस्तों, गत आपका आशीष मोटो में आज बात करने वाले हैं टाटा की 5 स्टार सेफ्टी रेटेड माइक्रो एसयूवी टाटा पंच 2023 के बारे में। और आपके सामने खड़ा है पंच का सेकंड टॉप एकॉम्प्लिस्ट वेरिएंट, जहां पे आपको मिलता है 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैसिव एंट्री, 15 इंच के हाइपर शेल बेस और काफी बढ़िया सा फ्रंट प्रोफाइल। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। एंड स्पेशल थैंक्स टू SR मोटर्स कानपुर और लखनऊ, जिन्होंने मुझे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस शोरूम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कलर ऑप्शन से। तो एकॉम्प्लिस्ट वेरिएंट में आपको मिलेंगे टोटल 7 कलर्स, जिसमें आपको व्हाइट, ग्रे, एटॉमिक ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट और मीटियोर ब्रॉन्ज। ये आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जब आप टॉप में जाएंगे तो वहां पे आपको 2 कलर और ऐड हो जाते हैं। बाकी इन कलर के अलावा इसमें आपको काजीरंगा एडिशन, कैमो एडिशन भी ऑफर किया जाता है। ये काफी अच्छी चीज है। एंड डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन है आपके पास। वेरिएंट्स की बात की जाए तो प्योर, एडवेंचर, एकॉम्प्लिस और क्रिएटिव, ये 4 वेरिएंट्स आते हैं टाटा पंच में। एंड अभी आप देख रहे हैं इसके सेकंड टॉप एकॉम्प्लिस्ड वेरिएंट को। बात की जाए इसके वारंटी की, तो इसमें आपको 2 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है आपको टाटा की तरफ से। आप चाहें तो उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। की बात की जाए तो एकॉम्प्लिस वेंट से आपको कीलेस एंट्री मिलती है टाटा पंच में, जिसमें आपको लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स के बटन, बगल में आपको बूट खोलने का बटन दिया जा रहा है और पीछे आपको मिलती है टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्ट की ऑफर की जा रही है बिकॉज यहां पे मिलती है आपको पैसिव एंट्री। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से, फिर चलेंगे इसके इंटीरियर में और अंदर देखेंगे आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। सेंटर में आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो दिया गया है। एंड जो इसकी ग्रिल है आपको मिलने वाली ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, पूरी तरह से क्लोज है ऊपर की साइड, जिसकी वजह से सामने से लुक जो है इसके हैरियर जैसे आपको नजर आने वाले हैं। नीचे आपको मिलेंगे यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स, जो कि दोनों DLS को कंटिन्यू करता है, सामने से लुक्स भी इनहेंस कर देता है। हेडलैम्प्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एकॉम्प्लिसमेंट में ऊपर मिलेंगी पार्किंग लाइन, टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको DRS की प्लेसमेंट और नीचे प्रोजेक्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स ऑफर किए जा रहे हैं एकॉम्प्लिस वेरिएंट में। जब आप सामने बैठ के देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको फ्रंट फेसिया नजर आने वाला है टाटा पंच का। नीचे आपको मिलती है मैट ब्लैक फिनिश में इसकी लोअर ग्रिल। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे ऑफर किया जाता है टाटा पंच में। इधर आपको साइड में मिलता है टोइंग का ऑप्शन। अगर आप एकॉम्प्लिस वेरिएंट को डीजल पैक के साथ लेते हैं तो वहाँ पे आपको LED DRS और 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाएंगे। ये इसका पूरा बोनट एरिया है, जो कि काफ़ी फ्लैट से रखा गया है। यहाँ पे आपको डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप देखने को मिल जाता है। अगर रूफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल रहा है पावर एंटीना। ये तो हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब चलते हैं साइड में और साइड प्रोफाइल से देखते हैं एकॉम्प्लिस वेरिएंट को। तो यहाँ पे आपको 15 इंच के हाइपर स्टाइल व्हील्स ऑफर किए जाएंगे, ब्लैक कलर के, काफी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। टाटा की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड जो सस्पेंशन का ट्रेवल है देखेंगे, इतना कुछ स्पेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको व्हील कवर्स, टाटा की ब्रांडिंग। टायर सेक्शन की बात की जाए तो 185/70R15 का पूरा टायर सेक्शन देखने को मिलेगा इस टाटा पंच में। एंड यहाँ पे आपको दी गई क्लैडिंग। अब बात करते हैं इसके मिरर्स की, तो बॉडी कलर मिरर्स हैं एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। एंड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे इसके डायमेंशंस की, तो 3827 mm इसकी लेंथ है, 1742 mm इसकी विड्थ है और 1615 mm आपको मिल जाती है इसकी हाइट। एंड इसके ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स। एंड इसका जो बी पिलर है आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में। ऊपर रूफ की बात की जाए तो प्लेन रूफ आपको मिलने वाली है। फ्रंट की तरफ को दिया गया पावर एंटीना। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से भी देखेंगे काफी बढ़िया से लुक्स आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ आपको फिल फिलर कैप मिलता है। कैपेसिटी की बात कर लें तो 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। रियर व्हील्स में आपको ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती है। एंड इसका ये रियर का डोर हैंडल जो आपको मिलता है सी पिलर में। एंड इसके जो डोर्स हैं 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, जिससे कि एंट्री और एग्जिट में काफ़ी आसानी रहने वाली है। अब चलते हैं टेल गेट की तरफ और एक एक फीचर्स को कवर करते हैं कि क्या कुछ आपको रियर में मिलता है इसके एकॉम्प्लिस वेरिएंट में। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, कोई डिफॉगर वगैरह नहीं मिलने वाला है। एंड साइड में देखेंगे आपको राइनो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको दी गई है टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो। उसी के नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पंच की बैजिंग दी गई है। टेल लैंप्स की बात करें वो आपको मिलने वाले LED टेल लैंप्स। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट भी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। नीचे बंपर की बात करें तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स और ट्राई एरो डिजाइन देखने को मिल जाता है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। पंच में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाता है और इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 85 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है। आप चलिए इसका बूट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका बूट स्पेस। तो काफ़ी बढ़िया सा आपको 366 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा इस टाटा पंच में। ऊपर आपको दी गई है पार्सल ट्रे। एंड अंदर देखेंगे आपको लैंप वगैरह भी दिया गया है, जिससे कि आपको नाइट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा टूल किट के साथ में।
तो काफ़ी बढ़िया सा स्पेस है, थोड़ा सा डीप है। एंड ये रखी इसकी पंचर रिपेयर किट जो कि टाटा की हर कार में ऑफर की जाती है। एंड इसकी ये 100% फोल्डेबल सीट्स, ये इसकी पार्सल ट्रे, एंड इन लीवर के थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड कर पाएंगे। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू जिसको हम आगे प्रॉपर कवर करने वाले हैं। अब चलिए इसके बूट को करते हैं बंद और चलते हैं रियर सीट्स की तरफ और रियर सीटिंग कंफर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखते हैं। ये इसके रियर डोर हैंडल जो आपको मिलते हैं सी पिलर पे, एंड डोर ट्रिम आपको मिलने वाला है डुअल टोन कलर में। ऊपर आपको मिलता है यहाँ पे डोर ओपनर ब्लैक फिनिश में, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की फिनिश, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाएगा। रियर कैबिन स्पेस की बात की जाए तो इतना कुछ लेगरूम आपको मिलता है, फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। एंड पीछे आपको मिलते हैं दो हेडरेस्ट जिनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, फिक्स नहीं है। एंड आप चाहें तो उसमें सीट कवर वगैरह लगवा सकते हैं। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के पूरा स्पेस चेक करते हैं। तो रियर सीट्स पर बैठने के बाद देखेंगे इतना कुछ लेगरूम आपको मिलने वाला है। मेरी हाइट 5'8" है और आगे की जो सीट है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है और काफ़ी कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एंड यहाँ पे सेंटर में कोई एसी मैट्स नहीं मिलेंगे, कुछ स्पेस आपको दी जा रही है। एंड अंदर का पूरा इंटीरियर, ऊपर आपको मिलेंगे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको कोट हुक, दो हेडरेस्ट जो कि फिक्स्ड हैं, पीछे आपको दी जा रही है पार्सल ट्रे, रियर सीट बेल्ट्स रियर पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए तो वो आपको मिलने वाला है डुअल टोन कलर में, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। सामने की तरफ आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, स्टीयरिंग पे आपको सारे कंट्रोल्स दिए जा रहे हैं। एंड अभी आप देख रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है आपके पास। अब चलते हैं फ्रंट ड्राइवर सीट पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो यहाँ पे मिलेगी आपको पैसिव एंट्री, रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। अगर इसके डोर ट्रिम की बात की जाए तो रियर की तरफ आपको फ्रंट में भी डुअल टोन कलर में डोर ट्रिम इसका दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको डोर ओपनर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORBM को फोल्ड एंड एडजस्ट करने के बटन्स, यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की फिनिश, स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर भी दिया जाता है टाटा पंच में। फ्रंट कैबिन की बात की जाए तो देखेंगे इतना कुछ स्पेस आपको मिलता है, पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं। आगे के जो दो हेडरेस्ट हैं उनको आप एडजस्ट कर पाएंगे। एंड ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड जो कि देखने में काफ़ी प्यारा सा लगेगा आपको। फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। एंड नीचे आपको मिलता है लीवर जिसके थ्रू हाइट और रिक्लाइन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप खोलने का लीवर, मैनुअल ABC पेडल्स एंड बोनट खोलने का लीवर आपको यहाँ पे मिलेगा। ऊपर आपको दी गई कुछ स्पेस। एंड यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फॉग लैंप्स, इको सी डी ड्राइविंग मोड्स और आइडियल स्टार्ट स्टॉप के बटन, AC के वेंट्स। अब चलिए अंदर बैठते हैं और अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो फ्रंट ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आने वाला है इसका फ्रंट डैशबोर्ड। गाड़ी को ऑन करेंगे और दिखाएंगे आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जिसको प्रेस करने के बाद एक कॉम्प्रेस्ड विंडो में आपको मिलेगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको दिया गया RPM मीटर, राइट साइड आपको मिलता है स्पीडोमीटर जिसमें आपको 220 तक की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। बीच में आपको दी गई है MID जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज देखने को मिल जाएगा। एंड अंदर आपको लीवर मिलता है जिसके थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इधर वाला जो लीवर है उसे आप टाइम वगैरह को सेट कर पाएंगे। ये तो होगी क्लस्टर के बाद, अब बात करेंगे इसके स्टीयरिंग की। वो आपको मिलेगा डीकट फ्लैट बॉटम, काफ़ी बढ़िया सा ग्रिप आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साइड में आपको मल्टीमीडिया और कॉल के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन दिए जा रहे हैं एकॉम्प्रेस फेंड में। एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस लीवर के थ्रू आप अपने स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड आपको दिए गए हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। ये तो गई स्टीयरिंग के बाद, अब बात करेंगे गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो ऊपर आपको मिलता है 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आप देख सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। एंड इसका यूजर इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया सा है। हार्मन का आपको साउंड सिस्टम मिलता है जिसका आउटपुट आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलने वाला है। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेजलाइट का बटन, उसी के बगल में आपको AC के वेंट्स, यहाँ पे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स। नीचे की बात की जाए तो 12V का चार्जिंग पोर्ट, बगल में आपको USB पोर्ट, काफ़ी बढ़िया सा स्पेस यहाँ पे। एंड अभी आप देख रहे हैं इसके 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है आपके पास। मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी बढ़िया सा स्पेस मिलेगा, लाइट्स वगैरह दी गई हैं। तो ये था पूरा डैशबोर्ड इंटीरियर एकॉम्प्लिस वेंट का। ऊपर आपको मैनुअल डे नाइट IRVM, यहाँ पे आपको कोई भी मिरर नहीं मिलने वाला है। को ड्राइवर साइड आपको मिरर दिया जा रहा है। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट। एंड विजिबिलिटी की बात की जाए तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया सी मिलती है टाटा पंच में। बम्पर टू बम्पर आप इसको ड्राइव कर पाएंगे ट्रैफिक में। अब चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS विद EVD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 एयरबैग्स।
अब बात करते हैं मेन चीज इसकी प्राइसिंग की, तो अभी आप देख रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स वेंट को 7,65,000 एक्स शोरूम प्राइसेस का और 8,70,000 रुपए की आपको ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लेते हैं तो 8,25,000 एक्स शोरूम प्राइसेस का और 9,36,000 रुपए की आपको ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो ये थी टाटा पंच अपने सेगमेंट की काफ़ी बड़े से माइक्रो एसयूवी। कैसे लगी आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स कानपुर और लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।